लीला। स्थान है बरसाने का सरोवर, समय है सायंकाल, संध्या होने में 2 घड़ी की देर है। संध्याकालीन सूर्य की किरणें सरोवर के जल पर पड़ रही हैं। सरोवर का जल झलमल झलमल कर रहा है। मणिमय सुंदर घाट पर गोपियां अपने कलशों में जल भर रही हैं। कुछ जल भर कर लौट रही हैं और कुछ जल भरने के लिए आ रही हैं। वृषभानु नंदिनी श्री राधा अपने पार्श्व में सोने का कलसा दबाए मंद मंद गति से आ रही हैं। दाहिनी ओर श्री ललिता और बाईं ओर श्री विशाखा हैं। दोनों ही श्री राधा की भांति अपने अपने पार्श्व में सोने का कलसा लिए हुए हैं। श्री राधा के पीछे और भी सखियां कलसा लिए हुए हैं। श्री राधा चलती हैं, फिर रुक जाती हैं और फिर चलती हैं। इस प्रकार रुकती चलती हुई घाट पर आकर खड़ी हो जाती हैं। घाट से कुछ दूर हटकर पश्चिम की ओर कुछ भीड़ लग रही है। कुछ ग्वाल बाल एवं सिर पर कलसे रखी हुई कुछ गोपियां गोलाकार खड़ी हैं। श्री राधा की दृष्टि उसी ओर जाती है। राधा कौतूहल भरे स्वर में, ललिते देख कर आ, यह कैसी भीड़ है। ललिता जाती है, कुछ देर वहां ठहर कर फिर दौड़कर वापस आती है। समूचा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। ललिता, क्या बताऊं राधे, राधे तू चल। अरे क्या बताऊं। राधा, क्यों क्या बात है। ललिता, राधे क्या बताऊं। कलेजे पर हाथ रखकर, एक ऐसी सुंदर योगिनी आई है, इतनी सुंदर कि बस देखते ही रह जाओ, ऐसा मन करता है। राधा, कुछ अनमनी सी होकर, तो। ललिता, राधा का हाथ पकड़कर, तनिक चल तो सही, कल से फिर भर लेंगे। श्री ललिता राधा का हाथ पकड़े भीड़ के पास आती हैं। भीड़ की गोपियां श्री विश्वानु राजा की लाडली को खड़ी देखकर सामने से हटकर उन्हें आगे स्थान दे देती हैं। श्री राधा ललिता आदि अब भीड़ के बीच में आ जाती हैं और देखती हैं कि सरोवर के घाट की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठी हुई एक योगिनी अत्यंत मधुर स्वर में गा रही है। तानपुरे के स्वर में स्वर मिलाकर अचेत सी होकर गा रही है। योगिनी की आंखें मुदी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो योगिनी समाधिस्थ होने जा रही है। योगिनी सांवली है, आयु 14 वर्ष की है। ललाट पर विभूति रमा रखी है, पर विभूति के अंतराल से अनोखा लावण्य अनुपम सौंदर्य झर रहा है। योगिनी तानपुरे पर गाते हुए, पिया तो ही नैनन ही मेरा खू, तेरे एक रोम की छवि पर जगत बार सतना खू। श्री राधा काठ की पुतली सी खड़ी रहकर पद सुनती हैं। योगिनी तानपुरे पर बार बार दोहराते हुए, नैना नहीं मैं राखूं, पिया तुम्हें नैना नहीं मैं राखूं। मानो पुनः चेतनता हो आई हो ऐसी मुद्रा धारण करके श्री राधा भीड़ से बाहर निकल आती हैं तथा कुछ दूर पर घाट पर लगी हुई मेहंदी की झाड़ियों से सटकर बैठ जाती हैं। पर दृष्टि योगिनी की ओर लगी है। ललिता विशाखा आदि वहीं आकर बैठ जाती हैं। राधा भर्राए हुए स्वर में, ललिते यह योगिनी होकर ऐसा भजन क्यों गाती है। ललिता, कैसा भजन। राधा कुछ खींची सी होकर, अरे क्या सुन नहीं रही है। ललिता कुछ मुस्कुराकर, अब समझी। राधा, तो बता क्यों गाती है। सचमुच ललिते तू ही देख, इतना रूप ऐसा सौंदर्य, उस पर ऐसा भजन, योग कैसे निभेगा। योगिनी अत्यंत मधुर स्वर में आलाप करती हुई, पिया तो ही नैना नहीं मैं राखूं। श्री राधा फिर अन्य मनस्क सी होकर एक बार ललिता की ओर देखती हैं। ललिता कुछ हंसती हुई, तू तो भोली है। अरे इसे निर्गुण भजन कहते हैं, वैरागी साधु गाया करते हैं। योगिनी उच्च स्वर से गाते हुए, भेटू सकल अंग सावल को। श्री राधा के मुख पर पसीने के बिंदु झलकने लगते हैं, सारा शरीर कांप जाता है। ललिता उन्हें पकड़ लेती हैं। ललिता आंचल से श्री राधा के मुख को पोंछती हुई अत्यंत प्रेम भरे स्वर में,
बावली सखी, इस योगिनी का सांवला तुम्हारा श्याम सुंदर नहीं है। योगिनी पिया सांवल कह कहकर, पिया सांवल के गीत गा गाकर अपने ब्रह्म की ज्योति का ध्यान करती है, समझी? श्री राधा चुपचाप भजन सुनती है। थोड़ी देर बाद योगिनी का भजन समाप्त हो जाता है। वह तानपुरा धीरे से कंधे पर रखकर आंखें मूंदे हुए इस प्रकार से बैठ जाती हैं मानो समाधिस्थ हो गई हो। राधा, ललिते, पता नहीं क्यों योगिनी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, इसकी ओर मेरा मन बरबस खींचता चला जा रहा है। तू पूछ तो सही कि यह कहाँ रहती है। ललिता हंसकर, क्यों योगिनी बनेगी क्या? राधा, ललिते, तू विनोद करती है और मेरा मन। ललिता अत्यंत प्यार से, रुष्ट मत हो, अभी पता लगाती हूँ। ललिता योगिनी के पास जाती है तथा हाथ जोड़कर घुटने टेक कर योगिनी के चरणों में प्रणाम करती है। योगिनी की आंख खुल जाती है तथा अलग अलग कहकर योगिनी गंभीर सांस लेती है। ललिता बड़ी विनय से, योगिनी मैया कहाँ रहती हो? योगिनी अलख अलख, तू जानकर क्या करेगी? ललिता, मेरी एक सखी है, उसकी तुम्हारे ऊपर बड़ी भक्ति हो गई है, इसीलिए वह जानना चाहती है। योगिनी, उसको आवश्यकता होगी तो अपने आप पूछ लेगी। ललिता, उसे लज्जा लगती है, इसीलिए मुझे भेजा है। योगिनी अलख अलख, मैं कहाँ आ फंसी? योगिनी आंखें मूंद लेती है। ललिता कुछ देर प्रतीक्षा करती हैं पर आंखें नहीं खोलने पर श्री राधा के पास चली जाती हैं। श्री राधा एकटक योगिनी को देखती हैं। राधा, अच्छा देख, मैं पता लगाती हूँ। I'm going to show you how you can launch your app in less than 7 days. My name is Hooman Maradox and I'm the founder of Zero. श्री राधा योगिनी के पास जाती हैं। अब भीड़ कम हो जाने से श्री राधा की सखियां एवं 2-3 अन्य गोपियां बच रहती हैं। राधा कुछ क्रोध भरे एवं उपेक्षा भरे स्वर में, री योगिनी, तू कहाँ से आई है? आंखों में भरा है राग और स्वांग पहन लिया है वैराग्य का। योग निभने का नहीं है। योगिनी आंखें खोलकर देखने लग जाती है। राधा, आयु है थोड़ी, मन है कच्चा, और उस पर तूने पाया है यह अनुपम रूप, फिर ऐसा स्वांग क्यों लिया? योगिनी अलग अलग कहने लगती है। राधा, सच कहती हूँ, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम्हारे मन में कुछ चाह है, भोग की चाह और वेश वैराग्य का, क्या कहना है? योगिनी अलग अलग उच्च स्वर से पुकार उठती है। राधा उपेक्षा के स्वर में, योगिनी अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, चल मेरे साथ राजभवन में और सच बता दे कि तू क्या चाहती है। योगिनी अलग अलग कहती हुई ठट्ठा मारकर हंस पड़ती है। उधर चित्रा धीरे से राधा को पकड़कर कुछ दूर ठेल देती हैं। चित्रा राधा के कान के पास मुंह ले जाकर उसे और बोलने के लिए मना करके फिर योगिनी से, योगिनी मैया, मेरी यह सखी बड़ी चंचल है पर हृदय की बड़ी सरल है, बुरा मत मानना मैया। योगिनी हंसती हुई, अलग अलग, पुष्पानु राजा की लाडली है, भला मन में अभिमान क्यों न रहे, राजपुत्री है, इसीलिए योगिनी की परीक्षा लेती हैं, योगिनी से विनोद करती हैं, योगिनी को भोग का लालच देती हैं। श्री राधा हंसती हुई योगिनी के पास फिर चली जाती हैं और पास में बैठकर अत्यंत प्रेम से उसके एक हाथ को पकड़ लेती हैं। योगिनी एक बार कांप जाती हैं। राधा हंसकर, योगिनी तू रुष्ट हो गई क्या? योगिनी अलग अलग, योगिनी भी कहीं रुष्ट होती है? राधा साहस भरे स्वर में, योगिनी सचमुच तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, इसीलिए विनोद कर बैठी। योगिनी हंसकर, अलख अलख,
विनोद करने से तुझे सुख मिला और क्या चाहिए? राधा उत्साह भरे स्वर में, तू मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेगी? योगिनी, बोलो। राधा आशा भरे स्वर में, तू मेरे साथ मेरे राजभवन में चल। योगिनी ठट्ठा मारकर हंस पड़ती है। राधा, क्यों हंसी क्यों? योगिनी, अलख अलख, तू हंसने की बात करे तो मैं हंसू नहीं। राधा, क्यों? मेरे राजभवन चलने में क्या कोई पाप है? योगिनी अत्यधिक हंसती हुई, अलख अलख, भला तू ठहरी राजपुत्री और मैं हूँ योगिनी, मेरा तेरा क्या संबंध? राधा उदासी होकर, देख साँझ हो चली है, तू कहीं भी तो रात बिताएगी ही। योगिनी, रात तो बिताऊंगी ही, पर वन में, राजभवन में क्यों जाऊं? ललिता योगिनी के पास जाकर बैठ जाती हैं। ललिता, योगिनी मैया, मैंने सुना है कि भगवान भक्तों की चाह रखते हैं। तुम योगिनी हो, भगवान में मिल चुकी हो, फिर तुम्हें भी तो मेरी सखी की प्रार्थना सुननी ही चाहिए। योगिनी, अलख अलख, तुम लोग भोली हो। देखो मैं योगिनी हूँ, मुझे आसन स्थिर करना है, मन का संयम करना है, इसीलिए वन फल खाकर प्राण धारण करना है। मैंने संसार छोड़ दिया है और तुम कहती हो कि राजभवन में चलो, भला ऐसी भी प्रार्थना मानी जाती है? राधा, योगिनी क्यों झूठ मूठ बातें बनाती है? अच्छा सच बता, क्या कभी तू राजभवन में नहीं ठहरी है? योगिनी कुछ गंभीर होकर, ठहरी क्यों नहीं हूँ, बहुत बार ठहरी हूँ। राधा, तो कुछ दिन मेरे यहाँ भी ठहरने में तेरा क्या बिगड़ जाएगा? योगिनी, अलख अलख, क्या बताऊँ? राधा प्रेम से हाथ को फिर पकड़कर, हाँ हाँ निसंकोच बता दे, क्यों नहीं चलना चाहती? योगिनी, अलख अलख, कहाँ आकर फंस गई? राधा, योगिनी मेरा हृदय तुम्हें देखकर उमड़ा आ रहा है, तुम्हें मेरी शपथ, चलने में जो अड़चन हो वह बता दे, मैं दूर कर दूंगी। योगिनी, अलख अलख। राधा, तुम्हें बताना पड़ेगा, आज बिना बताए मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। योगिनी हंसकर धीरे धीरे गुनगुनाती हुई, भोजन भूखी हो नहीं, मन न वासना और प्रीति सहित आदर जहाँ, हम विलमय तिही ठौर। राधा आशा भरे स्वर में, तो एक बार चल वहाँ, अनादर हो तो लौट आना। योगिनी, अलख अलख, कहाँ आकर फंस गई? Hi, my name's Derek. I guess if you're watching this, then you've obviously... राधा ललिता को आंखों के संकेत द्वारा योगिनी की बाह पकड़ने के लिए कहकर, बस अब तो नहीं छोड़ूंगी, आज रात रात के लिए तो तुम्हें ले ही जाऊंगी। ललिता योगिनी की बाह पकड़ लेती हैं। योगिनी ऐसी मुद्रा बनाती हैं मानो वह बहुत असमंजस में पड़ गई हो, किंतु तुरंत हाथ छुड़ाकर कहने लगती हैं, योगिनी देखो तुम लोग समझती नहीं, इस प्रकार हमारी साधना चौपट करोगी क्या? राधा, चल चल साधना की बातें बनाती हो, साधना की आड़ में बहकाना चाहती हो, मैं तेरी सब बातें समझ रही हूँ। योगिनी, देखो वृषभानु लाडली, आज नहीं कल, वचन देती हूँ कल आऊँगी। राधा, मैं तो छोड़ने की नहीं, पता नहीं तू भाग जाएगी तो कल का क्या भरोसा? योगिनी, वचन देकर नहीं भागूंगी। श्री राधा उदास सी हो जाती हैं, निराशा भरे स्वर में ललिता के कान में कुछ कहकर बैठ जाती हैं। ललिता, योगिनी मैया, तुम्हारा हृदय इतना कठोर क्यों है? भगवान को पाने के बाद भी क्या साधना करनी पड़ती है? क्यों हम लोगों की वंचना करती हो? योगिनी कुछ लजाई सी होकर,
देखो तुम लोग अभी बच्ची हो, सब बातें समझ ही नहीं सकती। राधा उदास सी होकर, समझती नहीं ठीक, पर यह ठीक जानती हूँ कि इस समय तुम केवल बड़ी बड़ी बातें बना रही हो। योगिनी श्री राधा को प्रसन्न करने की मुद्रा में, वृषभानु लाडली, देखो खींचो मत, हम योगिनियों को लोक संग्रह देखना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए मान लो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर यदि मेरी देखा देखी और भी अल्प आयु वाली योगिनियां राजभवनों में जाकर तुम्हारी जैसी हठीलियों की सेवा स्वीकार करने लग जावें, तब तो अनर्थ हो जाएगा ना, क्यों तुम ही सोचो। श्री राधा कुछ नहीं बोलती। योगिनी, क्यों रुष्ट हो गई क्या? राधा, योगिनी रुष्ट होने की बात नहीं है, तुम्हें मैंने आज पहले पहल देखा है, पर मेरा मन बरबस तुम्हारी ओर खींच गया है, तुम्हें घर ले चलने की बड़ी लालसा होती है, इसी से कहती हूँ। योगिनी ऐसी मुद्रा बनाती है मानो विचार में पड़ गई हूँ। ललिता, योगिनी मैया मेरी प्रार्थना मान लो, सच कहती हूँ मेरी सखी जैसी सरल हृदय की दासी की सेवा तुम्हें जीवन में न मिली होगी न मिलेगी। योगिनी, अलग अलग, चलो क्या करें, तुम लोगों जैसी ना समझो को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। श्री राधा आनंद में भरकर योगिनी का कंधा पकड़कर चलती हैं। मुख्य द्वार से न जाकर अपने उद्यान के द्वार से अपने शयनागार में पहुंचती हैं। वहां अत्यंत आदर से योगिनी को अपने सोने के पलंग पर बैठाती हैं। बैठाकर इस प्रकार देखती हैं मानो योगिनी के रूप को पी जाना चाहती हूँ। राधा, योगिनी आज तक मैं जानती थी जगत में एक ही सुंदर है, पर ठीक वैसी सुंदरता तुमने कहाँ से पाली? योगिनी एक बात। योगिनी आंख मूंद लेती है। राधा ललिता से धीरे धीरे, ललिते योगिनी का अतिथि सत्कार कैसे होता है यह तो मैं नहीं जानती, पर अब क्या होगा? विशाखा धीरे से, कोई चिंता नहीं, मैं जानती हूँ, उस दिन नारद बाबा आए थे, कीर्ति मैया ने जैसे जैसे किया था वह सब मैंने देखा था, वैसे ही कर दूंगी। अरे वे योगी थे, यह योगिनी है, बात तो एक ही है। श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं और विशाखा के कान में कुछ कहती हैं। विशाखा धीरे से, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करती चली जा। विशाखा बहुत ही सुंदर सोने की परात लाती हैं। ललिता अपने एक हाथ में सुंदर वस्त्र लेकर खड़ी हो जाती हैं। चित्रा स्वर्ण कलश लेकर जल देने की मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं। विशाखा, योगिनी मैया चरण धोने की आज्ञा देकर हम लोगों को कृतार्थ करो। योगिनी अलग अलग कहती हुई चरणों को परात में रख देती है। विशाखा श्री राधा से धीरे धीरे, तू यह कह कि आज हम लोग कृतार्थ हो गई। राधा, योगिनी आज हम लोग कृतार्थ हो गई। योगिनी अलग अलग, चरण धोए जाते हैं। वस्त्र से पोंछकर श्री राधा अकस्मात कुछ कांप सी जाती हैं और आश्चर्य भरी दृष्टि से चरणों के तलवे की ओर देखने लगती हैं। इतने में चित्रा सोने के गिलास में शरबत लाकर श्री राधा के हाथ में पकड़ा देती हैं। विशाखा के संकेत के अनुसार श्री राधा शरबत के गिलास को योगिनी के होठों से लगाना चाहती हैं। योगिनी कुछ लजाई हुई सी, वृषभानु लाडली रुष्ट ना हो तो एक बात कहूँ? राधा, कहो। योगिनी, बड़ा संकोच होता है पर कहे बिना काम भी नहीं चलता। राधा, बता संकोच क्या है? योगिनी, तुम लोगों ने सुना होगा जिस प्रकार का अन्न खाया जाता है वैसी बुद्धि बनती है, यहाँ तक कि परोसने वाले के मन में जो विचार होता है उसके परमाणु का भी प्रभाव पड़ता है। राधा, तो
योगिनी बहुत ही संकोच की मुद्रा बनाकर, रुष्ट मत होना, तू तो किसी पुरुष का ध्यान कर रही है। श्री राधा गिलास योगिनी के होठों से हटाकर ललिता के हाथ में दे देती हैं और कुछ लजाई सी होकर खड़ी रह जाती हैं। योगिनी हंसने लगती हैं, अरे हमें डर नहीं है, लाओ लाओ, मैं तो आग हूँ, मेरे में तो सब भस्म हो जाएगा, मैं तो तुमसे विनोद कर बैठी, बुरा मत मानना। श्री राधा उत्साह पूर्ण होकर गिलास पुनः ललिता के हाथ से लेकर योगिनी के होठों से लगाती हैं। राधा धीरे से ललिता के कान में, ललिते यह तो मन की बात जानती हैं। ललिता कुछ टोह भरी दृष्टि से योगिनी की ओर देखकर, योगिनी मैया हम लोगों को योग की कुछ बात सुनाओगी? योगिनी अलख अलख, मैं भूल गई, मुझसे भूल हो गई, तुम लोगों ने समझा होगा योगिनी मन की बात जानती है। ओह क्या करूं, अलख अलख। ललिता मैया हम लोग तो आपकी दासी हैं, दासियों पर तो दया होनी ही चाहिए, दासी के सामने अपने को छिपाना उचित नहीं है। योगिनी गंभीर होकर, छिपाने की बात नहीं, पर तुम लोग मुझे रात भर तंग करोगी जो। राधा ललिता के कान में, तू कह दे कि सर्वथा साधारण सी बात है जो हम लोग पूछेंगी, तंग नहीं करेंगी। ललिता मैया हम लोगों ने तंग करने के लिए थोड़े ही बुलाया है, तुम्ही ने जो कुछ कहा उसी के संबंध में कुछ पूछना चाहती हैं। योगिनी पूछो। श्री राधा ललिता के कान में कुछ देर तक कुछ कहती हैं। ललिता मैया तुमने अभी कहा कि मेरी सखी किसी पुरुष का ध्यान कर रही है, क्या तुम योग से देखकर उसका रूप रंग बता सकती हो? योगिनी अलख अलख, ये बातें तो बहुत साधारण हैं, ऐसी बातें मन चाहे जितनी पूछ सकती हो। अरे मैंने सोचा था तुम लोग संभवतः। ललिता उत्साह से, नहीं नहीं हम लोग केवल बस अपनी सखी की प्रियतम की बात ही पूछेंगे और कुछ नहीं। योगिनी थोड़ी देर तक आंखें मूंद कर बैठी रहती हैं, फिर हंस पड़ती हैं। ललिता हंसी क्यों? योगिनी तुम्हारी सखी की प्रियतम का रूप रंग वर्णन करने के लिए ध्यान करके देखा तो बरबस हंस पड़ी। ललिता उतावली भरे स्वर में, क्यों क्या बात है, वह इस समय क्या कर रहा है? योगिनी आंखें मूंदी रखकर, ओह तुम्हारी सखी इतनी भोली और वह इतना धूर्त, क्या कहना, अच्छी जोड़ी मिली है। ललिता बड़ी उत्कंठा से, क्यों क्यों क्या बात है? योगिनी हंसती हुई आंखें मूंदी रखकर ही, कुछ मत पूछो, बाहर से उसके रंग ढंग को देखकर लोग तो समझेंगे संसार से विरक्त है। कुछ ठहर कर, धूर्त की ऐसी धूर्तता, महान आश्चर्य, मन इतना रंगीला और बाहर ऐसा विराग, क्या कहना। श्री राधा ललिता सभी चकित होकर योगिनी की ओर देखती हैं। ललिता अतिशय उत्कंठित होकर, मैया कुछ बताओ तो सही। योगिनी हंसकर, अरे क्या बताऊं, बाहर तो ऐसा बना है मानो जगत से सर्वथा विरागी है और भीतर ही भीतर तुम्हारी सखी का ध्यान करते हुए एक पद गुनगुना रहा है। कुछ ठहर कर, उस रंगीले रसिक की बलिहारी, अच्छा मेरा तानपुरा ला दे, मैं उसका वही पद सर्वथा उसी के स्वर में गाकर तुम लोगों को सुना देती हूँ, देख मेरे योग का प्रभाव। ललिता तानपुरा योगिनी के हाथ में पकड़ा देती हैं। योगिनी गाने लगती है, तू मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगेना, अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले रहत मनु कबो मिलेना, भगवत रसिक रसिक की बातें,
रसिक बिना को समुझ सके ना, तू मुख चंद चकोर मेरे नैना। गाते गाते योगिनी चेतना शून्य होकर गिर पड़ती है। श्री राधा घबरा जाती हैं। ललिता गुलाब पाश लेकर योगिनी के मुख पर छींटा देने लगती हैं। इसी अस्त व्यस्तता में योगिनी के वस्त्र हट जाते हैं तथा कटी में छिपाई हुई मुरली दिखने लग जाती है। ललिता हंस पड़ती हैं। श्री राधा लजाकर कुछ अलग खड़ी हो जाती हैं। इतने में योगिनी उठ बैठती हैं। ललिता जोर से हंसने लगती हैं पर योगिनी लजाई हुई कुछ नहीं बोलती। ललिता हंसकर, यह योगिनी बड़ी विचित्र है, जो पुरुष के रूप में बदल जाए, ऐसी योगिनी के दर्शन बड़े भाग्य से हुए। विशाखा योगिनी की साड़ी खींच लेती हैं। साड़ी खींचते ही योगिनी के स्थान पर श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। तोड़ मरोड़ कर छिपाया हुआ मुकुट नीचे गिर पड़ता है। चित्रा उठाकर उसे अपने सिर से लगाकर उनके सिर पर बांध देती हैं। श्री राधा उनके चरणों को पकड़कर हंसती हुई बैठ जाती हैं तथा निर्निमेष दृष्टि से देखती रह जाती हैं। इतने में ललिता भोजन का थाल लाती हैं। आसन बिछाया जाता है। सखियां श्याम सुंदर को भोजन कराती हैं। श्री राधा अपने हाथों से परोसती हैं तथा ललिता योगिनी बने हुए श्याम सुंदर के तानपुरे को कंधे पर रखकर भोजन का पद गाती हैं। जय जय श्री राधे।